कि मेहनत करनी है और मेहनत पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इस तरह आप अपने देखिए, एक सबसे पहले तो आपको अपना एम बना लेना चाहिए कि आपने करना क्या है जिंदगी में। अब लोग है ना, मतलब वेवरिंग ऑफ माइंड के साथ होते हैं, कभी इधर स्विच होते हैं, कभी उधर स्विच होते हैं, कभी अपना एम्बिशन चेंज करते हैं, कभी अपना फील्ड चेंज कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करके एमबीए कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं एमबीए के बाद इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। नहीं, आप पहले सोच लें कि यार आपको करना क्या है और उसके अंदर एक्सेल करें। अब देखिए, जैक ऑफ ऑल फील्ड ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन वाला ना हो, आप मास्टर होने चाहिए जिस फील्ड में आप हैं उसमें। आप मास्टर हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, आप एक कमांड हैं कि आपने जो कह दिया इसका मतलब है कि यार आपने जो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, आपके जो एजुकेशन है आपके, तो जिस तरह एक अंदर मुफ्ती होता है कि जिसने, तो आप है ना अकाउंटिंग के मुफ्ती है, तो आप अपने आप को मुफ्ती बनाए पहले कि आपका फतवा लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये बंदे ने ये बात की तो ये ऑथेंटिक है और ये ऐसे ही है। तो अपने आप को मुक्ति बनाए सबसे पहले अकाउंटिंग का, और उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो एम्बिशन टारगेट बनाए कि आपने क्या करना है, किस लेवल पे पहुंचना है, और उसके लिए आप देखिए गैप एनालिसिस करें कि आज आप कहाँ खड़े हैं और आपको जो आपका जो एम्बिशन है वहां पे कहाँ है, उसके अंदर गैप क्या है, एजुकेशन का गैप है, एक्सपीरियंस का गैप है, कुछ नॉलेज का गैप है, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो जो वहां तक पहुंचने के लिए नेसेसरी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उस स्किल्स को आप एक्वायर करें। तो वो करने के वो जो गैप एनालिसिस के बाद आप उसका एक वो ट्रैक बनाए, अपना एक पाथ बनाए कि आपने कब कब क्या क्या चीज अचीव करके वहां तक पहुंचना है। तो आपने जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने अंदर वीकनेसेस और अपने अंदर शॉर्टकमिंग्स और अपने अंदर जो वो रिक्वायर्ड स्किल जो रिक्वायर्ड है उस तक पहुंचने के लिए, तो आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको डे वन पे आप बैठ के गैप एनालिसिस करें कि आपका जो एम्बिशन है आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं और आज आप यहाँ खड़े हो, इन के बीच में गैप क्या है। उस गैप के अंदर आप एनालिसिस करें कि उस गैप को फिल करने के लिए उसको स्टेप्स क्या होंगे, आपने कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी है, और इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है जो वहां तक पहुंच सके आप। तो गैप एनालिसिस पहले करें आप।